Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. सर प्रधानमंत्री लगातार इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पे हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देश की संपत्ति को लेके विशेष समुदाय को देने की तैयारी में कांग्रेस है। भैया ये बताइए, मैंने तो आपको नाम गिनवा दिया, हमारा तो बैंक लूट लिया प्रधानमंत्री जी की सरकार ने। बताइए 20,000 करोड़ लूटा कि नहीं जनता का पैसा नीरव मोदी मेहुल चौकसी ने? बताइए 3,000 करोड़ रुपए लूटा कि नहीं जनता का पैसा? वो किसकी संपत्ति थी? वो मोदी जी की संपत्ति थी क्या जो 3,000 करोड़ ललित मोदी ने लूटा? वो तो जनता की संपत्ति थी ना। वो किसकी संपत्ति थी 6,000 करोड़ रुपए जो नितिन संदेशरा लूट के भाग गया? वो किसकी संपत्ति थी 10,000 करोड़ रुपए जो विजय माल्या लेके भाग गया? वो किसकी संपत्ति थी 15,00,000 करोड़ रुपए जो मोदी जी ने अपने दोस्तों का माफ कर दिया? वो किसकी संपत्ति थी 3,50,000 करोड़ रुपए जो बैंकों में कर्जा मोदी के दोस्तों ने लिया था और मोदी जी ने उसको माफ कर दिया? बताइए किसकी संपत्ति थी। मैं आपको कहता हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये जितने बेईमान हैं जिनकी संपत्तियां नरेंद्र मोदी जी ने माफ की है, जिनकी संपत्तियों पर नरेंद्र मोदी जी का संरक्षण है, जिनकी संपत्तियां भारत के लोगों को लूटकर दिन दूना रात चौगुना बढ़ाई गई हैं, जो 2,50,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेके बैठा हुआ है, जिसने प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता का 15,00,000 करोड़ रुपए अपने दोस्तों पर लुटवाया है, इस सब की जांच होगी। और सारा पैसा, इन लुटेरों का सारा पैसा जनता को, गरीबों को दिया जाएगा। स्कूल बनवाए जाएंगे, अस्पताल बनवाए जाएंगे। पूरे देश को लूट के कंगाल कर दिया, अभी भी बात करते हो आप? पोर्ट, एयरपोर्ट, स्टील, कोयला, गैस सब अपने दोस्त को देते हो? मोदी जी के लिए उनके दोस्त प्राथमिकता हैं। मोदी जी अपने दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं।